गाइस गुड इवनिंग गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ पोर्टेबल एप्स थ्रू पैन कार्ड। मैं इसको एक चलता फिरता कंप्यूटर भी बोल सकता हूँ। आप कहीं भी अगर ये पैन कार्ड को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं अपने मेरे ऑफिस में अगर मुझे मेरे जो मैंने एप्लीकेशन बना है अगर मुझे मेरे ऑफिस के कंप्यूटर में यूज़ करना है, या कहीं अगर मैं साइबर कैफे में बैठा हूँ अगर मुझे साइबर कैफे में यूज़ करना है, तो मतलब ये पैन कार्ड से आप कहीं कौन से भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो जो आपने बनाए हो, जो आपने क्रिएट किए हुए एज अ पोर्टेबल ऐप। आपको पोर्टेबल ऐप के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। पोर्टेबल ऐप एक्जैक्टली क्या करता है, पोर्टेबल ऐप आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ना आपको कोई यहाँ पे कोई लाइसेंस की देनी है, ना आपको कोई इसके अंदर कुछ इंस्टॉलेशन करना है, खाली जस्ट आपको यूज़ करना है। और कैसे आपको दिखता है पोर्टेबल एप्लीकेशन, जो पोर्टेबल एप्लीकेशन है आपको मैं इसका एक छोटा सा डेमो देता हूँ मैं, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करा है, जिसे खाली आपको यहाँ पे स्टार्ट करो, स्टार्ट पे क्लिक करो, आपको मैं बता दो वन बाय वन आपको किस तरह से क्रिएट करना है। लेकिन जो मैं अभी मैंने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया आपको जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं कि एक्जैक्टली मैंने इस एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। फाइल जिला है, ठीक है, मैंने यहाँ पे फाइल जिला करके एक एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ, पोर्टेबल एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे मैक यहाँ नोट यहाँ पे कोई आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब जस्ट आप उसको एज अ फ्री ऑफ यूज कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे एक पोर्टेबल एप्लीकेशन क्या रहता है, पोर्टेबल एप्लीकेशन आपको जस्ट छोटा सा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके देता है और आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से मेरा फाइल क्रिएट हुआ है, देखिए। तो चलो आपको भी दिखाता हूँ कि आपको कौन से डिफरेंट एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, किसे आपको यूज़ करना है, कैसे आपको आपके फेवरेट एप्लीकेशन आपको यूज़ कर सकते हो। उसके पहले आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए ट्रिक्स लाते रहता हूँ मैं। चलो मैं आपको लिख के जाता हूँ कि एप्लीकेशन आपको पहले सबसे पहले तो पोर्टेबल एप्लीकेशन का है जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं आपको लिख के जाता हूँ, ठीक है। ये देखो मेरा यहाँ पे पोर्टेबल एप्लीकेशन का एक वेबसाइट है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट पे लाया हूँ। आपको उसके पहले आपको डाउनलोड किस तरह से करना है, यहाँ पे आपको portableapps.com/download पे जाते हो, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। और मेक श्योर कि आपका इंटरनेट चालू होना है, जब भी आपको एक बार आपको इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होगा, एक ही बार आपको इंटरनेट जैसे कोई आप एप्लीकेशन जब अपने पैन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करने जाते हो तो उसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायरमेंट होता है, आपको इंटरनेट आपको यहाँ पे ऑन होना चाहिए। उसके चलो मैं आपको देखो इस आपको डाउनलोड कैसे करना है, देखो आपको डाउनलोड दिखाता हूँ यहाँ एक्चुअली कैसे दिखता है वो। देखो यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है अपने पोर्टेबल ऐप्स को, यहाँ पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। उसके पहले जो भी उसके पहले आपको पैन ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा, मेक श्योर आपको पैन ड्राइव को फॉर्मेट करना है, उसके बाद ही फिर आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको आई एग्री करना है। देखो मेरे पास हमें न्यू इंस्टॉलेशन या कोई एग्जिटिंग इंस्टॉलेशन करना है वो भी कर सकते हो, आपको मैं न्यू दिखाता हूँ, न्यू करके दिखाता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है। उसके पहले मैं आपको पैन ड्राइव फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो मैं अपना यहाँ पे पैन ड्राइव फॉर्मेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरा फाइल जिला है उसको मैं बंद करता हूँ, क्योंकि इसके बिना मेरा पैन ड्राइव फॉर्मेट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने अपना पैन ड्राइव फॉर्मेट कर रहा हूँ। कोई भी आप कितने भी जीबी का आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, मतलब मेक श्योर कि आपको इतना जीबी के अंदर आपको यूटिलाइज करेगा वो एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे मेरा 16 जीबी का पैन ड्राइव है, मतलब मेक श्योर कि आपका पैन ड्राइव अच्छा होना चाहिए। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए यूज़ करना है पैन ड्राइव, तो आपको उसके हिसाब से आपको पैन ड्राइव उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ गया पोर्टेबल इंस्टॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पैन ड्राइव है, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे क्लाउड बेस पे इंस्टॉल करना है मेरे एप्लीकेशन को, मैं यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव का बाइट को पाथ डाल दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट गूगल से भी सिंक्रोनाइज कर लेंगे। अगर कोई करंट यूजर में मुझे इसको इंस्टॉल करना है, तो मेरा खाली जो भी इसकी सेटिंग्स वगैरह डायरेक्टली इसके लैंड टू लैंड कनेक्ट हो जाती है। तो मेरा फिलहाल इतना बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं, मेरा खाली रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे वो पोर्टेबल एप्लीकेशन मेरे पैन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोर्टेबल पोर्टेबल यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं मैक्स करता हूँ। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने पाथ मेरा सिंक्रोनाइज कर लिया, क्योंकि मैंने पहले पैन ड्राइव कनेक्ट करा था, इसलिए मेक श्योर यहाँ पे एक आपको ये स्टेज पे ध्यान रखना है कि पैन ड्राइव सिलेक्ट होना ज़रूरी है। आपको इस तरह से स्क्रीन दिखना चाहिए, अगर आप नहीं कर सकते हो तो पैन ड्राइव जो भी आपके एप्लीकेशन हो डायरेक्ट आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, मतलब वो करके कुछ मतलब नहीं होगा। मेक श्योर कि आपको जो रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको आगे स्टेप करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर इस तरह से आएगा, आपको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा पोर्टेबल एप्लीकेशन इस तरह से इंस्टॉल कर रहा है,
मैं जो भी यहाँ पे अगर एंटीवायरस भी अगर मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है मेरे यूज करना है तो आप यहाँ से भी एंटीवायरस का भी एक एप्लीकेशन है जो बाय डिफॉल्ट पोर्टेबल आपके पास जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल होते हैं आप डायरेक्टली यहाँ पे ले सकते हो। देखो यहाँ पे मेरा पोर्टेबल एप्लीकेशन रेडी टू एनवायरमेंट सेट करते हैं, यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ अभी। यहाँ पे देखो यहाँ पे उसने मुझे लिख के आया, मतलब वो एप्लीकेशन लिख के आया है। ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे कुछ नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा ऐप्स में, क्लियर करूँगा ऐप्स में जाऊँगा, गेट मोर में जाऊँगा और जो भी मुझे यहाँ पे टाइटल रखना है कैटेगरी जो भी आप डिपेंड्स ऑन, अगर फॉर एग्जांपल मुझे बाय टाइटल रखना है तो बाय टाइटल कैटेगरी के हिसाब से मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकता हूँ। और ये जो बैकएंड में चल रहा है जो पोर्टेबल ऐप डायरेक्टली आपको दिखा रही हो, जो क्या करता है ये जो एप्लीकेशन डायरेक्ट बैकएंड में जाता है वो जो भी पोर्टेबल एप्लीकेशन के वेबसाइट पे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है एप्लीकेशन से वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएगा। क्योंकि ये प्रोसेस में आपको थोड़ा वक्त लगता है, तब तक हम थोड़ा पोर्टेबल ऐप्स के वेबसाइट के बारे में थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आपके पास विंडोज 10 और विंडोज 8 के लिए भी ऑब्वियसली सपोर्ट है, विंडोज 7 भी अगर आपके पास होगा तो विंडोज 7 के लिए भी है, एक्सपी के लिए भी है। अगर आपके पास मैकबुक होगा, मैक लैपटॉप, तो मैकबुक लैपटॉप के लिए भी ये यूजफुल है। बस खाली आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, अगर आपके पास डाउनलोड करना है खाली इसमें क्लिक कर तो आपको जो भी एनवायरनमेंट सेट होगा ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड करके मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स अगर मैं पोर्टेबल के बारे और उसके थोड़े बहुत थोड़े फीचर्स के बारे में भी थोड़े जान लेते हैं कि एक्चुअली क्या करता है। ये मेरा एनवायरनमेंट रेडी हो चुका है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा फीचर्स बता देता हूँ पोर्टेबल ऐप का। ठीक है, यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकल का मैंने इस तरह से कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके पास अगर एडोब फोटोशॉप यूज़ करना तो आप जिम भी यूज़ कर लो, एडोब फोटोशॉप का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पोर्टेबल एप्लीकेशन रन करता है और जो भी पोर्टेबल एप्लीकेशन है डायरेक्टली लेटेस्ट इंटरनेट के जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो आपको यहाँ पे ला के रहता है। जैसे आप में लिखा था, देखो ये मेरा स्क्रीन ओपन हो गया है, यहाँ पे जो भी लेटेस्ट इसके पास अवेलेबल होगा वो आपको ला के देगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं मुझे सर्च करना पड़ेगा गूगल क्रोम करके। अभी मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को देखता हूँ, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल के हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे गूगल। और सबसे इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको ए टू लेकर जेड तक अल्फाबेटिकल के हिसाब से आपको यहाँ पे सेट किया जाता है। ठीक है, अगर देखो मेरे यहाँ पे गूगल क्रोम आ गया है, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करूँगा आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगा जो आपको डाउनलोड, यहाँ पे आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट अच्छे से हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ज़्यादा साइज के एप्लीकेशंस नहीं होते, कम मिनिमम मैक्सिमम 5 या 10 MB के एप्लीकेशन होते हैं। बस खाली उसको एक बार इंटरनेट रिक्वायरमेंट दे दो ऑटोमेटिकली आपको आपके पेन ड्राइव के अंदर डाउनलोड करके देगा। यहाँ पे इसको कुछ टाइम लगेगा आपको यहाँ पे, तब तक हम इसका डेवलपमेंट सपोर्ट सिस्टम देखते हैं कि सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ पे मतलब कुछ नहीं करना आपको, बस खाली एक देखो यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन सपोर्ट, मतलब आपको क्या क्या सपोर्ट कर रही है पोर्टेबल ऐप्स। तो यहाँ पे ओपेरा, ओपन ऑफिस हो गया, अगर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज़ करना है, ओपन ऑफिस पोर्टेबल एप्लीकेशन, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लाइव से सपोर्ट, आपको कुछ अगर लग रहा है कि आपको कुछ सपोर्ट चाहिए डायरेक्ट आप लाइव सपोर्ट पे लाइव चैट पे क्लिक कर लो, आपको लाइव चैट पे क्लिक करने को मिलेगा। यहाँ पे डाउनलोड्स में बहुत सारे मतलब अलग अलग आपको इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर सपोर्ट के लिए, तो वो हार्डवेयर सपोर्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं आता यहाँ पे, मतलब खाली बस यहाँ पे हार्डवेयर सपोर्ट के लिए क्या है कि आपका जो पेन ड्राइव 3.0 होना चाहिए और 2.0 होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे खाली राइटिंग स्पीड का ही डिफरेंट है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है, उसके अंदर थोड़ा उसको टाइम लगता है एप्लीकेशन, तो ये स्टेज पे थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ
पे डायरेक्टली आपको आ गए यहाँ पे एक्सटर्नल। अगर आपको अगर एक्सटर्नल आपको डाउनलोड करना है आपके, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पेन ड्राइव है, अगर डायरेक्टली आपको एक्सटर्नली भी आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे भी इसके यहाँ पे देखो portable.apps.com/apps में जाओगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको एप्लीकेशन मिलेंगे। आपको सेपरेटली आपको डाउनलोड करना है विदाउट एनी पेन ड्राइव, तो यहाँ पे वो भी आप वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ग्राफिक के लिए भी कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन डिज़ाइन किया हुआ है। देन इंटरनेट के लिए अगर मोज़िला, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको गूगल क्रोम, अब इस तरह से कोई भी अगर लग रहा है कि मुझे और भी कुछ इसके अंदर डाउनलोड करना है, मतलब आप अलग अलग तरीके से सिंगल भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने डायरेक्ट लैपटॉप से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे देखो सिक्योरिटी होगा, यहाँ पे यूटिलिटीज़ भी क्या 7-zip हो गया, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एप्लीकेशन यहाँ पे दिए हुए पोर्टेबल ऐप्स ने। तो थैंक्स पोर्टेबल ऐप्स जो इस तरह से मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रहा है। तो यहाँ पे बस कुछ टाइम बाकी है, 1 मिनट बाकी है यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, तो तब तक और भी थोड़ा उसका और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोर्टेबल ऐप्स आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्राफिक पिक्चर्स हो गए हैं यहाँ पे, तो पिक्चर्स के बारे में कुछ आपको यहाँ पे देखो, ड्राइंग्स का भी कुछ आपको एप्लीकेशन, लिब्रा कैट भी दिया होगा आपको ऑटा कैड यूज़ करना है, मतलब अलग अलग डिफरेंट तरीके से आप ब्रांडर कर सकते हो, अपने यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन। ओके, अगर ऑफिस यूज़ करना आप डायरेक्टली ऑफिस भी डायरेक्टली यूज़ करना, मतलब बस खाली आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। अगर आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी वो मान लो कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है मुझे, मान लो कि मुझे अपाची ऑफिस डाउनलोड करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम पब्लिशर या फुल सूट चाहिए तो फुल सूट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप सिंगल वे से भी आप डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप मैंने यहाँ पे दो तरीके दिखाए, कि पेन ड्राइव से भी आपको यूज़ करना है तो पेन ड्राइव से भी लगा के भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मुझे डायरेक्टली एक्सटर्नल यूज़ करना है तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, यहाँ पर आपके कैसा एनवायरनमेंट है आपके, तो इसके हिसाब से आप एप्लीकेशन को कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, आप इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे, बस खाली मैं ओके करता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने आप ओके कर देता हूँ, एप्लीकेशन क्लोज कर देता हूँ मेरा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। जितने भी मेरे गूगल क्रोम के इंस्टेंस है मैं सबको क्लोज करना पड़ेगा मुझे। ओके, यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो यहाँ पे ओके, एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे हो गया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में गूगल क्रोम चल रहा है तो इसलिए मुझे यहाँ पे स्टॉप करना पड़ा। आई एग्री करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे एप्लीकेशन है वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम लोग जो मैंने डाउनलोड किया था वो मैं यहाँ पे वापस ये करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं वापस डाउनलोड हो चुका है, मतलब वापस मैंने अपने, ये एक्चुअली ओपन ऑफिस ऐसे भी फ्री है, बट आपको यहाँ से भी डाउनलोड करना था यहाँ से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे मैं अभी जाता हूँ पोर्टेबल ऐप्स के वापस वेबसाइट पे जाता हूँ यहाँ पे, ये आपको जो भी लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसका रिव्यू बहुत, क्योंकि ये जो है वो पीसी वर्ल्ड भी यूज़ कर रहा है, मतलब बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल है यूएसए टुडे भी ये पोर्टेबल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसके लिए भी अच्छा फ़ायदा ही है। देखो यहाँ पे मेरा एडेड हो चुका है, अभी आपको किस तरह से पेन ड्राइव को एक्सेस करना है, ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ पेन ड्राइव को एक्सेस करने के लिए। देखो यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव को ओके करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा स्टार्ट पे जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट बार होता है बाय डिफॉल्ट आपके लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन जब पोर्टेबल ऐप आप यूज़ करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर राइट में ओपन होगा। तो इस तरह से देखो मैंने जैसे बताया कि आपको यहाँ पर गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन हो चुका है, और जो ये गूगल क्रोम है, ये जो गूगल क्रोम है ये अब मेरे पेन ड्राइव से एक्सेस कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।